केंद्र सरकार लगातार आधार को प्रमुखता देते हुए अपनी सभी योजनाओं से इसे जोड़ती जा रही है। महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने में भी आधार कार्ड जरूरी हो गया है, लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए साफ कर दिया है कि समाज कल्याण योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सरकार की ओर से जारी किए गए कई आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बताया गया। कोर्ट ने कहा कि आधार को लेकर हमारा पिछला आदेश पूरी तरह से अपडेट था, साथ ही कोर्ट ने आधार संबंधी याचिका पर तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर समय के साथ सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को 12 अंकों की इस पहचान संख्या को गैर लाभकारी योजनाओं में अनिवार्य किए जाने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस J.S. खेहर ने कहा कि आधार जनहित स्कीम के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन गैर लाभकारी योजनाओं जैसे कि बैंक खातों के खोलने या टैक्स रिटर्न करने से जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड सभी समाज कल्याण योजनाओं के लिए जरूरी नहीं होगा। देखते रहिए DB Live।